नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। भाई साहब, बदला लेना कोई पाकिस्तान से सीखे। मतलब पाकिस्तान के लोग बदला भी ऐसे लेते हैं कि आपको हंसी आ जाए और आप सोच में पड़ जाए कि भैया ये क्या नहीं बला है। आप बता दो कि भाई कौन सा सूखा नशा फूंक के बैठते हैं। आप बताइए कि मीठी मीठी चुम्मी देकर कौन बदला लेता है। भाई साहब, इस अधिकारी ने ऐसा जहरीला चुम्मा दिया है कि लोग भी हैरत में पड़ गए और सोचने लग गए कि भाई ये अजीब जाहिल आदमी कौन है। अब तक तो ये भारत से बदला लेने की बात करते थे और टमाटर के बदले परमाणु की धमकी देते थे, पर अब ये नया हथियार लेकर आए हैं और इसे कह दिया है चुम्मा बम, जिसका धमाका होता है तो हंसी ही निकलती है। अब ये नहीं पता किस बम का इजाद किसने किया, पर ये चुम्मा बेहद ही खतरनाक है भाई। ये हथियार सिर्फ अभी पाकिस्तान के पास ही है। इस हथियार से लोग जल्द ही 72 करोड़ के दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। मतलब मजे के मजे और बदला भी पूरा। ऐसे ही खेल रहे हो। दरअसल कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अंदर से बड़ा ही अजीब और मामला सामने आया। यहाँ के अधिकारी के अंदर बदलापुर की आग जल रही थी और इस आग को बुझाने के लिए उसने चुम्बन बम का इस्तेमाल किया। सिर्फ बदला लेने के लिए एक अधिकारी ने दूसरे अधिकारी को चूम लिया। पहले तो सबको ये नॉर्मल लगा, पर हद तो तब हो गई जब उसने बताया कि वो कोरोना वायरस से पॉजिटिव है। भैया कौन सी पढ़ाई करके आए थे? और ये बात समझ नहीं आ रही कि जब वो दूसरे अधिकारी को प्यार भरी चुम्मी दे रहा था तो वो कौन से मूड में था। अब ऐसा कौन सा दफ्तर है भैया जहां अधिकारी को चुम्मा दिया जाता है, वो भी इस कोरोना काल में। एक रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी सिर्फ इस एक पीड़ित शख्स से नहीं बल्कि कई और लोगों से भी मिलकर आया। जब ऑफिस के कर्मचारियों के बात पता चली कि वो कोरोना पॉजिटिव है तो वो भी डर गए और ऑफिस से भाग खड़े हुए। अब कोरोना का खौफ तो है ही, ऊपर से पाकिस्तान के बुद्धिजीवी ये कहते हैं कि कोरोना वैक्सीन से DNA बदल जाएगा। पाक मीडिया के मुताबिक कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने इस शख्स को असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया था। उसने ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के डायरेक्टर को जाकर चूम लिया और इसके बाद बताया कि वो कोरोना पॉजिटिव है। चूमने की वजह जानकर भी आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल इस शख्स का आरोप है कि उसने कई महीने से सैलरी नहीं दी थी। वहीं पीड़ित अधिकारी जिसे चूमा गया है उसका कहना है कि आरोपी को 5 अक्टूबर को सस्पेंड कर दिया गया था। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप साबित हो गए थे। हालांकि डायरेक्टर का कहना है कि उन्हें इन्फेक्शन का कोई डर नहीं है क्योंकि 4 महीने पहले ही पॉजिटिव हो चुके थे, लेकिन वो आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। भाई साहब, इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। जनाब, वो कोरोना है, कोई नाराज फूफा नहीं है जो अगली बार नहीं आएगा। अब इस खतरनाक हथियार के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक आप बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।